पुरानी कहावत है, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं। और पुरानी कहावत ये भी है कि राजनीति में न कोई स्थायी मित्र है न कोई दुश्मन है। रही बात विचारधारा की, तो राजनीतिक विचार न जाने किस धारा में कब कहां बह के पहुंच गया है, इसलिए वो भी कोई संकट नहीं है। कल तक जो साम्यवादी थे अचानक दक्षिणपंथी हो जाते हैं, कल तक जो दक्षिणपंथी थे अचानक समाजवादी हो जाते हैं, कल तक जो समाजवादी खुद को कहा फिरते थे उन्हें पलभर में दक्षिणपंथी बनते देश ने खूब देखा है। इसलिए विचारधारा का अब तो कोई मसला है ही नहीं राजनीति में। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो घटना हो रही है वो एक बड़ी घटना है। बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि 89-90 में या उस पूरे दशक को जब आप याद कीजिए 1980 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का जब उभार हुआ, उस उभार ने राष्ट्रीय राजनीति में भले ही बड़ा असर न डाला हो लेकिन राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की हैसियत उसने छोटी की। 90 के बाद इन क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों से हिस्सेदारी लेनी शुरू की और वो दौर देश ने देखा जब गठबंधन ही सरकार की नियति बनी। केंद्र में भी राष्ट्रीय दलों की इतनी हैसियत नहीं बची उसके बाद कि वो अपने दम पर सरकारें बना सकें चला सकें। राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का रुतबा इतना ज्यादा बढ़ गया कि राष्ट्रीय दल लगातार हाशिए पर जाते दिखे। कभी कभी रिवाइवल दिखता है लेकिन फिर यही क्षेत्रीय दल वहां हावी होते दिखने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे मजबूत ताकतवर क्षेत्रीय दल रहा वो है समाजवादी पार्टी, और वो समाजवादी पार्टी अब बिखरती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो ताकतवर जो केंद्र हैं वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जहां खड़ी है लेकिन समाजवादी पार्टी अब बिखरती दिख रही है। और समाजवादी पार्टी की बड़ी ताकत शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। शिवपाल सिंह यादव वो नेता है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी का पहिया ढोया, साइकिल खींची और गली गली गांव गांव कूचे कूचे तक उस साइकिल को पहुंचाया। आज वही शिवपाल अलग है तो क्यों, और इस अलग होने का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा क्या, रिपोर्ट फिर चर्चा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ताकतवर क्षेत्रीय शत्रप घर से ही चुनौती मिलने लगी है। सैफई के अखाड़े से निकले सियासत के सबसे नामी पहलवान मुलायम सिंह यादव का चरखा दांव भले ही सियासत में हिट रहा लेकिन परिवार में चित हो गया। उम्र ने पहलवानी से किनारा करने को कहा तो मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश को अखाड़े में उतारा। कोशिश की कि भाई शिवपाल साथ खड़े होकर भतीजे को दांव याद दिलाएंगे लेकिन यही दांव उल्टा पड़ गया। शिवपाल ने खुद अखाड़े में ताल ठोक दी और ललकारने लगे भतीजे अखिलेश को। अखाड़े का एक नियम है, नियम ये कि जो गिर गया वो मिट्टी में मिल गया और जो बदन से मिट्टी झाड़ कर उठ खड़ा हुआ उसने ताल ठोक। शिवपाल मिट्टी झाड़ कर खड़े हो चुके हैं। धर्म भी यही कहता है कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पांडवों ने तो केवल 5 गांव मांगे थे, 5 ही गांव मांगे थे, और मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था। आपने रजत जयंती में लाखों लोग थे, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सम्मान, बड़ों का सम्मान। समाजवादी सेकुलर मोर्चा के गठन के बाद कुछ लोगों को उम्मीद थी कि नेताजी समझौते का कोई न कोई फॉर्मूला निकाल ही लेंगे, लेकिन बुधवार को जब मोर्चे के प्रवक्ताओं की लिस्ट सामने आई तो समझौते की बची खुची संभावनाओं की खिड़की भी बंद हो गई। और ये साफ हो गया कि सपा टूटेगी भी और टिकट बंटवारे के वक्त शिवपाल का मोर्चा सपा को तोड़ेगा भी। शिवपाल का ये मोर्चा टिकट बंटवारे के वक्त बसपा समेत बाकी दलों के उन नेताओं को भी अपने पाले में खींचने की कोशिश करेगा जिनको उनकी पार्टी बेटिकट रखेगी, तो मतलब दूसरे दलों के नाराजों को शिवपाल में उम्मीदें दिखेंगी और दूसरे दलों के नाराजों से शिवपाल को उम्मीद भी होगी। लेकिन संकट सपा के सामने ही होगा क्योंकि जिस सपा को खड़ा कर यहाँ तक पहुँचाने में शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका है उस सपा में शिवपाल यादव के लोग बड़ी तादाद में है, और जाहिर है यही लोग
शिवपाल यादव पर अपना अधिकार भी समझते होंगे, तो मतलब ये कि सपा की विरासत में सेंध लगती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आज हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी हैं, आप पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है इस कार्यक्रम में। दीपक मिश्रा जी हैं, आप समाजवादी सेकुलर मोर्चा जिसका गठन शिवपाल सिंह यादव जी ने किया है इससे हैं, स्वागत है आपका। संजीव मिश्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है। विजेंद्र सिंह जी हैं कांग्रेस से, स्वागत है आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में। जगदेव सिंह यादव जी, देखिए अब कोई रास्ता दिखता है नहीं, आप लोग आखिर तक कह रहे हैं परिवार है, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, मतलब समाजवादी पार्टी डरी सहमी दिख रही है और सेकुलर मोर्चा आक्रामक दिख रहा है। सेकुलर मोर्चा ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी, सेकुलर मोर्चा अब अपने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी करने जा रहा है, सेकुलर मोर्चा बाजाबता पोस्टर और बैनर होर्डिंग सब लगवाने लगा है, और आप लोग कुछ खुल के बोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो तो भाई हैं, गले मिल जाएंगे। क्यों भाई इतना बैकफुट पर क्यों आना पड़ गया अब समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी कोई बैकफुट नहीं है। हाँ। ये भ्रमगर कोई पाले हो तो उसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी एक है, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा नेताजी का पूरा आशीर्वाद अखिलेश यादव जी को प्राप्त है। अब जहां तक ये मोर्चे की बात कह रहे हैं, हमारे शिवपाल जी बहुत वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, उनके बारे में मेरा कुछ भी कहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं कोई कहूंगा। अब उनके साथ ही आए हुए हमारे समाजवादी चिंतक थे, अब शायद प्रवक्ता हो गए हैं, ये दीपक मिश्रा जी बताएंगे। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तमाम मोर्चे आए, तमाम मोर्चे गए, और कभी आपको याद होगा अमर सिंह ने लोक मोर्चा बनाया था समाजवादी पार्टी से निकल करके। देखिए जगदेव जी, अमर सिंह जी में और शिवपाल सिंह यादव में फर्क है, जब नेता के खिलाफ लड़े थे उसमें फर्क है। आज जो कहीं भी खड़यंत्र लग रहा है, साजिश लग रहा है, उसके पीछे मात्र सिर्फ अमर सिंह, और अमर सिंह जी अगर कोई राजनीतिक पहचान बनाई, राजनीतिक कद बढ़ाया, तो माननीय नेताजी ने बढ़ाया, निश्चित बढ़ाया। तो लेकिन शिवपाल ने जमीनी संघर्ष किया है, लाइजन के वर्क करते थे, दूसरे शब्दों लोग उनको क्या क्या कहते हैं मैं तो सब नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, चाहे कांग्रेस में रहे, लेकिन नेता जिनको राजनीतिक पहचान दी, और जब नेताजी के ना हुए और नेताजी के खिलाफ वो विस्फोट करने लगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ठीक है, दीपक मिश्रा जी, माननीय शिवपाल जी भी, जगदेव जी रुकिए, दीपक जी से जवाब लेने दीजिए। दीपक मिश्रा जी, आपका मोर्चा आक्रामक है, खुल के बोल रहा है साफ शब्दों में, इसका ही नतीजा है आज वो बीजेपी में है। ठीक है जगदेव जी, गोद में खेल रहे हैं। जगदेव जी रुकिए, समाजवादी पार्टी अब बैकफुट पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है बीच का कोई रास्ता तलाशो, कुछ साफ बोलो नहीं, शिवपाल जी हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत बात शिवपाल की हो रही है, ये अमर सिंह की करेंगे, आप आक्रामक दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्यों बैकफुट? समाजवादी पार्टी की स्थिति तो एक शेर जैसी है कि ये कहीं दिल कहीं और कहीं दिमाग, ये दौर उन्हें इस तरह तकसीम कर गया। समाजवादी सिद्धांत कहीं और है, समाजवादी व्यवहार कहीं और है। हाँ। तो अब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे समाजवाद से स्खलित हो चुकी है, विचलित भी नहीं। इनके शब्दों में कितना आप देखिए भ्रामकता है, ये कहते हैं कि नेताजी का सम्मान है, अगर सम्मान नेताजी का है तो अपमान क्या होगा? अब तो शब्दकोशों को सम्मान शब्द ही हटा देना चाहिए। नेताजी समाजवादी पार्टी के हटाए हुए अध्यक्ष नहीं है, अपदस्त अध्यक्ष हैं। वो राष्ट्रीय कार्य समिति जारी होती है, नेताजी का नाम गायब, स्टार प्रचारकों की सूची गायब होती है, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नाम वहां दिखते हैं। मैं 10 साल युजन सभा का राष्ट्रीय सचिव रहा, प्रभुत प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, प्रवक्ता और सचिव रहा, मुझे खुद पता लगाना पड़ता है कि महोदय ये है कौन, जो सोशलिस्ट ठीक से लिख नहीं सकते वो सोशलिस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। खैर उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, ये छिद्रान्वेषण का विषय नहीं है। अब ये कहते हैं देखिए सवाल आपने क्या किया, जवाब ये अमर सिंह जी का दे रहे हैं। अमर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, साफ साफ कहा कि उन्होंने शिवपाल जी को बुलाया और शिवपाल जी नहीं गए, ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है। और अगर अमर सिंह जी इतने ही बुरे थे तो आदरणीय जगदेव जी उन्हें बतौर राष्ट्रीय महासचिव उनका झंडा क्यों लौटे थे, तब क्यों नहीं खड़े होकर कहे? दरअसल इनके साथ ये है, यही कि तो सवाल है, दरअसल आदरणीय जगदेव जी, मतलब व्यक्तिगत आरोप में नहीं लगा रहा हूं,
शुतुरमुर्ग की जैसे एक मानसिकता होती है कि उधव आंख मुदो आंख उधव कुछ नहीं। ऑस्ट्रिच मेंटालिटी से समाजवादी पार्टी चल रही है। और मैं डॉक्टर लोहिया के एक बात को रेखांकित करूंगा जो उन्होंने कहा था, आवाज उसी की बुलंद होती है जिसके साथ नैतिकता खड़ी होती है। छुपना क्यों? अब देखिए जगदेव सिंह यादव जी, यही बात मैं कह रहा था कि जो आक्रामकता इस मोर्चे के लोगों में दिख रही है उतनी ही ज्यादा सावधानी मुझे समाजवादी पार्टी में इस वक्त दिख रही है। सिद्धांत नहीं है, व्यवहार सिद्धांत। दीपक जी फिर आए तो कुतर्क करते हैं। दीपक जी बारी बारी को कोट करते हुए अटल जी ने कहा था कि लोकतंत्र में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए और लोकतंत्र में कोई बात छुपती नहीं। एक झूठ गोयबल्ज की तरह से। दीपक जी रुक जाइए। अमर सिंह, अरे आएंगे आपके पास, फिर आएंगे दीपक जी, तो शायद जनता थोड़ा बहुत आपको समझवादी लगता सुन नहीं पा रहे हैं क्या मुझे। दीपक जी फिर आएंगे आपके पास। देखिए जगदेव जी, यही बात मैंने शुरू में कही कि जो आक्रामकता दिख रही है सेकुलर मोर्चा में उतनी ही ज्यादा सावधानी दिख रही है समाजवादी पार्टी में। मतलब गला फंस गया, ऐसा लग रहा है कि गर्दन फंस गई है, अब करें क्या, ऐसा लग रहा है जगदेव जी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, गर्दन कुछ नहीं फंसी है। मैंने कहा है कि राष्ट्रीय गर्दन नहीं फंसी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सारी पार्टी एक है, समाजवादी पार्टी एक ही एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। और मैं कह रहा हूँ भाई, दीपक मिश्रा जी भी तो उसी पार्टी से आए ना, ये कार्यकर्ता कहाँ आपके साथ है? ये भी वैसे तो कई कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ नहीं है। आप संविधान में समाजवाद लिखा हुआ है, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि सिद्धांत की भी समाजवादी निकले हुए हैं। ये तो भारत के प्रीएम्बल में भारत के संविधान में समाजवादी शब्द है। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति अपने को गैर समाजवादी कही नहीं सकता। शिवाजी जी कह रहे हैं मैं 80 सीटों में चुनाव लड़ाऊंगा, ये बीजेपी के दम पे। और ना मान्यवर, हम सक्षम है, समर्थ है और 80 नहीं। आप देखिएगा सेकुलर मोर्चा हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर मैंने खुद सुना था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। कौन कह रहा है? अमर सिंह की चाल है, भारतीय जनता पार्टी की चाल है। ये नए नए हैं, बांटो राज करो, अंग्रेजों कर रहे हैं। ये जब माँ बेटी को बांट दिया, आप देखिए सोनेलाल पटेल की पत्नी कहीं बेटी कहीं, ये बंटवारा करने वाले लोग हैं, यही खंडन करते हैं, यही साबित करते हैं। लेकिन जनता ये समझ गए हैं, नेताजी के रहते ये आरोप कांग्रेस पर भी लगे थे साहब। सुनिए, आप जगदेव जी जो कह रहे हैं ना, बांटो और राज करो, सुनिए एक मिनट, ग्वालियर के घटना आप याद कीजिए, संभव नहीं है, हुई नहीं। विजय राजे सिंधिया भाजपा में, माधव राजे सिंधिया कांग्रेस में, कैसे हुआ था सर? सब जानते हैं किसने बांटा था। मैं समझता हूँ, ठीक है, शिवपाल जी भी देर सवेर साहिब नेताजी के समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो कहीं नहीं, विजेंद्र सिंह जी के पास आएंगे पार्टी। आप लोग रुक जाएंगे बारी बारी से, विजेंद्र सिंह जी इकतीस है, ये दबाव की राजनीति है, ठीक है, जो हो रही है वो आप समझ लीजिए, खेल ये है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और अमर सिंह जी जो लगे, ठीक। चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके परिवार को बांट दिया। जगदेव जी थोड़ी देर के लिए मान ले, सुनिए यादव के, और जिससे जगदेव जी रुक जाए प्लीज, उस समाजवादी पार्टी के साथ, ठीक। विजेंद्र जी, इनकी बातों को अगर थोड़ी देर के लिए सच मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ही बांट दिया, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, मीडिया के लोग देख रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव को जितना दर्द नहीं है उससे ज्यादा दर्द भाजपा नेताओं को दिख रहा है। शिवपाल जी की बड़ी उपेक्षा हुई, बड़े दुखी मन से आए, बहुत ही मेहनत की थी उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ऐसा लग रहा है कि बस अब रो पड़ेंगे कि तब रो पड़ेंगे शिवपाल जी के दर्द से। लेकिन बांटछाट की राजनीति कब नहीं हुई है भाई साहब, आप बताइए ना। कांग्रेस ने कौन सा छोड़ दिया था? विजय राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में, माधवराव सिंधिया संघ में, और संघ से माधवराव सिंधिया को कैसे मुंबई से सेट किया गया मामला, कैसे लाया गया, राजमाता ने यहां से अपने दूत भेजे, माधवराव सिंधिया से बात करवाई, रोका, लेकिन माधवराव सिंधिया कांग्रेस में आए। क्यों आए? प्रीवी पर्स खत्म किया गया था, उसके बाद राजमाता बहुत चिढ़ी हुई थी कांग्रेस से, बावजूद इसके माधवराव सिंधिया लाए गए कांग्रेस में कि नहीं। तो सबने किया है राजनीति में, कोबर छोटका था अपराधु, किसने नहीं बांटा है परिवारों को। खैर, आज समाजवादी पार्टी क्यों बचाव के मुद्रा में, आक्रामक क्यों नहीं हो पा रही है? खुल के जिस तरह शिवपाल आरोप लगा रहे हैं, आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही समाजवादी पार्टी? विजेंद्र जी, क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पात। मैं 2011 में आदरणीय दीपक मिश्रा जी से मिला था, मुझे बहुत बौद्धिक आदमी लगे थे, लेकिन आज जब बोल रहे थे तो यहां ना समाजवादी पार्टी में कोई कंफ्यूजन है ना कांग्रेस में, मुझे पूरी तरीके से कंफ्यूज आदरणीय मिश्रा जी लगी। आदरणीय शिवपाल जी का एक बहुत बड़ा चरित्र है,
और समाजवादी पार्टी उनके मोर्चे से ही स्पष्ट है कि उनकी जो सोच है वो कहीं जाने वाले नहीं है, तो इतनी आक्रामकता उनको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत साहित्यिक भाषा बोल रहे थे, मैं उतना साहित्य नहीं जानता, गांव का रहने वाला हूं, केवल इतना जानता हूं साहित्यकार गांव से ही तो आए साहब। श्री जी, नदी के धारा से निकली हुई कोई शाखा का दो ही चरित्र हो सकता है, या तो आगे जाकर वो नदी में विलीन होना होगा जैसे कल्याण सिंह जी, उमा भारती और द्रौपदी जी विलीन हुए, या उसे समाप्त होना होगा अमर सिंह जी के तरीके से। आदरणीय शिवपाल जी के सामने भी दो ही रास्ते हैं, या तो समाजवादी के साथ रहेंगे या तो अपने आप को विलीन कर लेंगे। मुझे इस पंचायत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं केवल इतनी विनती करूंगा कि जिस श्री शिवपाल यादव जी का इतना बड़ा राजनीतिक चरित्र है, इतना बड़ा सोशलिस्ट है वो, तो उन्हें जो मुद्दे तय किए हैं विपक्ष ने इस नकारा और झूठी सरकार के खिलाफ, श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसने धोखा दिया है हमारे युवाओं को, 24 लाख पद खाली रह गए, वो भरे नहीं गए, 6 करोड़ युवा फार्म नहीं भर पाएंगे, ओवरएज हो जाएंगे, जिन्होंने घोटाला किया है राफेल जैसा सदी का सबसे बड़ा घोटाला, नोटबंदी जैसा भ्रष्टाचार किया है, महंगाई, अरे उसका इससे क्या लेना देना है? शिवपाल जी जो नया मोर्चा बना रहे हैं, क्या नोटबंदी से बना रहे हैं? डाइवर्ट नहीं होना चाहिए उन्हें। अगर उन्हें लगता है कि इस समय हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता की बात माने रखती है, इस समय ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, जगदेव जी या दीपक मिश्रा जी या शिवपाल यादव जी का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उनको साफ करना चाहिए, या तो वो यीशु के साथ हिंदुस्तान, अरे भाई शिवपाल जी कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है, कैसे रहे प्रपंच और झूठ के साथ खड़े होंगे? शिवपाल जी कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है। देखिए, राजनीति में वो धारा होती है, उस धारा को पहचान नहीं पा रहे हैं ये, आज नहीं उन्होंने। अरे किस धारा की बात कर रहे हैं विजेंद्र जी? समाजवादियों को धारा सिखा रहे हैं आप? ये विजेंद्र जी 500 बार जो बटे, जो लोग 500 बार बटे वो धारा की राजनीति करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? बताइए, जो 500 बार बटे जेपी के जीवन में, लोहिया के जीवन में टूट टूट कर जो लोग बिखर गए, वो किस धारा की राजनीति की बात करेंगे? बोलिए, संजीव मिश्रा जी के पास आएंगे। संजीव मिश्रा जी, आप बिल्कुल हमारे साथ आइए। समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव जी को निकाला नहीं है, वो समाजवादी, मैंने आप क्या चाहते हैं निकाल ही दे तभी वो अलग हो? आप चाहते हैं उनको निकाल दे लिटरली? अरे मैं तभी वो अलग हो, स्टूडियो कहकर जा रहा हूँ, श्री शिवपाल यादव जी नहीं निकाले जाएंगे, वो हम ही लोगों के साथ हैं। और मिश्रा वो तो कह रहे हैं कि बहुत अपमानित हूँ मैं, उनका बयान है हमारे पास, मुझे अपमानित किया गया, उपेक्षा। ठीक है, संजीव जी के पास आ रहे हैं, परिवर्तनों को संभालना। रुक जाइए विजेंद्र जी, रुक जाइए विजेंद्र जी, देखिए यही दर्द देखिए, शिवपाल का दर्द भाजपा महसूस कर रही है और समाजवादी पार्टी के टूटने का दर्द कांग्रेस महसूस कर रही है। शिवपाल जी का दर्द उतना शिवपाल जी को महसूस नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी को है, और समाजवादी पार्टी टूटने की पीड़ा समाजवादी पार्टी को उतनी नहीं है, जगदेव जी को उतनी नहीं है जितनी विजेंद्र जी को हो रही है। अब इस राजनीति को समझिए, मैं यही कह रहा था, यही सब नहीं हो रहा है, ये राजनीतिक अंतरात्माएं चुनाव से ठीक पहले जागती हैं, आंख खोलती हैं, अंतरात्मा की आवाज कोई आती है, नेता सुनते हैं और चुनाव बाद वो अंतरात्मा फिर सो जाती है, यही होता है, भारतीय राजनीति का सच है। संजीव मिश्रा जी, भाई क्यों भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी को तोड़ने के, पार्टी छोड़िए परिवार को तोड़ने के आरोप बीजेपी पर क्यों लग रहे हैं? देखिए आशित नाथ जी, जब पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं समझ में आता कि क्या कहना है, तो इस तरीके के दाएं बाएं आरोप लगाया करते हैं और जनता समझ रही है। ये तो इनके अपने कुनबे की लड़ाई थी, चुनाव से पहले कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं तब तक रहूंगा जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, चुनाव का रिजल्ट पॉजिटिव आए या निगेटिव आए लेकिन मैं अध्यक्षी छोड़ दूंगा। वो आज भी चिपके हुए अध्यक्षी से, और उसके बाद नेताजी ने भी कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ बीजेपी पर क्या, क्या वो तो चलिए उनका अपना मामला है। नहीं देखिए देखिए, जो सार्वजनिक आपके चैनल्स पे हमने सुना है वही तो कह रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा। आज जिन मुद्दों पर हम बैठे हैं बहस करने के लिए के क्या है आज, अरे रुकिए भाई, आपके बीच में नहीं बोलता, अरे थोड़ा संयम रखो, संयम रखो, संयम रखो, संयम संयम रखो, भयभीत मत हो, परेशान ना हो, अपने समय पे बोलो। देखिए बहुत साफ सी बात है, हालात बद से बदतर हो गए और अब आरोप लगा रहे कि पड़ोसी ने लड़ाई लगवा दी। अगर पड़ोसी ने लड़ाई लगवाई होती तो क्यों लड़ रहे हो, क्यों नहीं आपस में बैठ करके विचार कर लेते हो?
एक पार्टी कह रही है हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सर बात अब क्या वो भारतीय जनता पार्टी की कह रही है? कहने का मतलब यह है, विचार कर लेंगे, ये वर्चस्व की लड़ाई, ये नेताजी को लेकर खींचतान की लड़ाई और ये जनता को भ्रमित करने की लड़ाई है कि हम तो लड़ रहे हैं लेकिन लड़वा कोई और रहा है। अरे रेफरी कोई और हो जाएगा और लड़ोगे खुद? क्या इतनी अकल नहीं? इतने बड़े चैनल पे बैठ कर अगर ये कहो कि लड़ाई कोई और लगवा रहा है, अच्छा ये मतलब चाबी कोई और भर रहा है, हालांकि आप खिलौने ना चाह रहे हो संजीव जी, ये तो बड़ी अजीब बात लगी। देखिए अंशित नाथ जी, जो बात अभी तक मैं सुन रहा था तो कहूंगा तो है ये, सुनिए सुनिए, जब सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये उचित है। ठीक, और अगर इतने ही अगर आप अपने दिमाग से नहीं चल सकते और दूसरे के कहने से लड़ रहे हो तो अप्रत्याशित बात है। चलिए संजीव जी, चूंकि आपकी पार्टी का मसला है नहीं लेकिन चूंकि आप पॉलिटिशियन है इसलिए पूछ दे रहा हूं, राजनेता आप हैं इसलिए राजनीति का अनुभव है, समाजवादी पार्टी इस मसले पर क्यों जलेबी बना रही है? साफ कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, सवाल पूछो तो जलेबी बनाना शुरू, और मोर्चा बिल्कुल खुलकर आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रहा है। क्या वजह क्या है समाजवादी पार्टी के इस लाग लपेट वाले माहौल का, की वजह? देखिए राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके अगर मैं बात कहूं तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि उन्होंने तो अपने प्रवक्ताओं से कहा कि चाचा के मुद्दे पर न बहस करना, क्योंकि मैं तो कई चैनलों पर देख करके आया, वहां पर इस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अवॉइड कर रहे हैं कि आए नहीं। यहां तो कम से कम अच्छा यह है कि जगदेव सिंह जी आए और वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हतप्रद है, भयाग्रस्त है, और उनके प्रवक्ता जिस तरीके से विचलित और व्याकुल भारत हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो समस्या है वो समाजवादी पार्टी के भीतर है। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह जरूर समझना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह जरूर समझना पड़ेगा कि उनके जो सिपह सलार हैं, आज उन्होंने 225 से 50 के नीचे 47 पर तो पहुंचाया ही, आने वाले समय में किस तरीके से क्या होगा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए, आत्मचिंतन करें, वरना पार्टी कहां ले जाएंगे। जी, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष अच्छा हो, विपक्ष मजबूत हो, जब हमारी फिर से 19 में देश में सरकार बने और 22 में उत्तर प्रदेश में सरकार बने तो कम से कम विपक्ष हमको मजबूत मिलना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र स्थापित हो सके। जगदेव तो विकास के एजेंडे पे आगे चल ही रहे। देखिए क्या अभी भी इस बात की संभावना तलाशी जा रही है कि शायद चुनाव से पहले कोई चमत्कार हो जाए और शिवपाल जी कहें कि चलो भैया हम साथ दे रहे हैं, अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, या फिर ये कोई रणनीति है कि शिवपाल जी और उनके लोगों को खूब बोलने दो हम चुप रहेंगे और चुनाव के ठीक पहले कहेंगे कि देखो हम तो कुछ बोल नहीं रहे थे, हम तो उनका सम्मान कर रहे थे, हम तो बड़े शरीफ और संस्कारी लोग हैं, हमने कहा कुछ कहा, जो कहना था उन्हीं लोगों ने कहा, बताइए हमने कुछ कहा था क्या, ये भी हो सकता है ना, तो यही रणनीति है क्या? देखिए जहां तक संस्कार की बात करते हैं आपने देखा होगा हमेशा मंच पे मुख्यमंत्री रहते माननीय अखिलेश यादव ने पूरा सम्मान किया है माननीय शिवपाल जी का, पैर छुए सारे लोगों ने देखा है, चैनल पे आप लोगों का देखे, और आज तक एक शब्द कभी भी अपने चाचा के खिलाफ उन्होंने नहीं बोला, सारा देश जान मुझे सारा जानता है। ये पारिवारिक मामले होते रहते हैं, हर परिवार में होते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, और पहले कुछ लोग बीच में खड़े करके, अब आप कह रहे थे, मैं तो याद कर रहा हूं, आप भी याद करिए, मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी से निकलवाने का काम किसने किया था? ये शायद भूल रहे हैं, संजीव मिश्रा उसमें पार्टी में थे, भूल रहे होंगे ये। उसके बाद भी कुछ उफ नहीं की, लगातार सारे सम्मान दिया, सारा किया, और मंत्रालय भी सारी चीजें दी गई, लेकिन जो कुछ लोग बीच में खड़ेकारी आ गए हैं, अमर सिंह का तो बयान था, आपने देखा अर्षित जी कि मैंने तो बात तय कर ली थी, ये नहीं हुआ, तुम तो तय कर ली थे, फिर ये तय कर लिया, क्या वाला मोर्चा बना लो, दर्द तो साथ में 80 सीटों में लड़ लो, 80 सीटों का बयान आपको क्या दर्शाता है? 80 सीटें जो आदमी एक दो लड़ने के लिए बड़ा दिक्कत में होता है, 80 सीटें वो सिर्फ बीजेपी चाहती किसी तरह से, जैसे कि सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल बंटवारा कराया है यहाँ करके लाभ ले, लेकिन वो उनका जो मंतव्य सफल होने वाला नहीं है, सारे लोग सारी एकजुट है, और हद तो तब हो गई जब इनके, शायद पढ़ाओ ना पड़ा संजीव सर ने, मैंने खुद सुना था कि इनके महेंद्रनाथ जी हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा नहीं मोर्चा हमारे साथ आ सकता है, ये स्वीकारोक्ति है उनके, इससे पीछे खड़ियंत है, एक साजिश इसके तरह से हो रहा है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होगी, ये जो चलता रहता है आता रहता है, तमाम चीजें आई गई बिगड़ी, ये भी खत्म हो जाए, मैं कहूँ जब तक नेताजी हैं
पार्टी का विभाजन नहीं हो सकता, नहीं होगा, वोटरों का विभाजन नहीं होगा और माननीय नेताजी का पूरा आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव के साथ है। ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक का वक्त है, जल्दी लौटेंगे और ये अब जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी, किसने बांटा, किसने बंटवाया। राजनीति है भाई, राजनीतिक दल राजनीति ही करने आते हैं। आप अगर बंटने को तैयार हैं तो उन्होंने बांट दिया। अब आप इतने भी नासमझ होंगे तो इसमें भाजपा क्या करे, कांग्रेस क्या करे, दूसरे दल क्या करे? और अगर आप समझदार होंगे तो फिर उनके कुछ करने से होता क्या है? तो अगर आप नासमझ हैं तो आपकी राजनीति कैसी होगी, और आप समझदार होंगे तो आपकी राजनीति कैसी होगी? लेकिन सबके बावजूद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर दो टुकड़ों में बंट जाती है तो राजनीति की अगली तस्वीर होगी कैसे? ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, अब जरा नई तस्वीर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा दिशा बदली है और जब ये पार्टी बटेगी तो फिर नई तस्वीर राजनीति की होगी कैसी? अब शुरुआत करते हैं विजेंद्र सिंह जी से ही। विजेंद्र सिंह जी आपके पास आते हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ केंद्र में आप लोग सरकार चला चुके हैं, नजदीकी रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने एक बार सहयोग करके केंद्र में बीजेपी की भी सरकार बचा दी थी, जब वॉकआउट किया था, आपको याद होगा। तो वही मैंने कहा कि भाई उसूलों का क्या है, कब बदल जाए पता नहीं, राजनीति में उसूलों का अपना कुछ होता नहीं है। लेकिन चूंकि सबसे पुरानी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों में इसका वजूद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ये पार्टी अगर बटेगी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो नई तस्वीर हो सकती है या तस्वीरें हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? मैं बहुत नई घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। अभी 1.5 साल पहले बिहार में चुनाव हुआ, एक तरफ हमारा महागठबंधन था आरजेडी नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ रामविलास पासवान जी, कुशवाहा जी, ये लोग थे। वहां एक शिवपाल यादव जिसे हजार गुना बड़ा नाम, शिवपाल यादव जी तो अभी माननीय मुलायम सिंह की छाया से निकले ही नहीं है, चुनाव प्रधानी का चुनाव कह रहे हैं ये। पूरी बात सुनिए, प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते। पप्पू यादव 91 में एमपी जीते थे मधेपुरा से, उन्होंने 67 सीटें शिवपाल यादव जी जैसा सोच करके लड़ाया बिहार में, जमानत नहीं बची पूरे बिहार में। मैं तो फिर आज शिवपाल यादव जी से और दीपक मिश्रा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो एक बहुत सच्चे सोशलिस्ट हैं आदरणीय शिवपाल जी, बहुत लंबा राजनीतिक करेक्टर है उनका, उन्हें किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। और अपने बड़े भाई जिसके बारे में सब लोग बार बार कोट कर रहे हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी की भावना को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से लोग चला रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके ठीक दूसरे दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में आदरणीय मुलायम सिंह जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे चक्कर में मत पड़िए, हम पांचों भाई एक हैं, हमारे यहाँ गांव में खेती एक साथ होती है, इसका मतलब समझो। उन्होंने पार्टी का नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी को दे दिया है, शिवपाल यादव जी को मुलायम सिंह जी के साथ रह करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। यही तस्वीर चुनाव के विभाजन के बाद होगी। जो वो करना क्या चाहिए अलग मसला है, क्या हो गया वो देखिए। हो ये गया कि मोर्चा बन गया, प्रवक्ताओं की सूची आ गई और ऐलान कर दिया कि हम सारे सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। शिवपाल ने ऐलान कर दिया, जगदेव सिंह यादव जी सर एक मिनट आएंगे, सिंह साहब फिर आएंगे, प्रशंसा करते हुए पप्पू यादव जी से सीखने की सलाह दे रहा हूं, बृजेंद्र सिंह जी फिर आएंगे, दोनों की तुलना नहीं है ना, बड़ा कद शिवपाल जी, बृजेंद्र सिंह जी ठीक है, बार लोकसभा जीत चुके हैं, वो उनकी पत्नी भी सांसद है, ठीक है इस परिस्थिति में मोदी जी के लहर में, तो इसलिए वो भावनाओं को समझें। ठीक आएंगे मिश्रा जी, आएंगे आपके पास, संजीव जी आएंगे, उन्हें इस जगदेव जी के पास जाना चाहिए, गठबंधन के साथ होना चाहिए। ठीक है जगदेव सिंह यादव जी, पप्पू यादव और शिवपाल यादव की तुलना नहीं की जा सकती। पप्पू यादव अपने समय के कुख्यात थे, दहशत थी, जब आपराधिक राजनीति चरम पर थी तो उन्हें लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए। वो दौर था जब बिहार से बड़ी तादाद में क्रिमिनल, सर रुक जाइए ना, हमारे कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार, जगदेव सिंह जी से सवाल है, रुक जाइए, ब्रजेंद्र जी रुक जाइए, सही तथ्य प्रस्तुत करिए, ब्रजेंद्र जी रुक जाइए,
आपराधिक बैकग्राउंड के लोग बड़ी तादाद में लोकसभा पहुंचे थे, पप्पू यादव भी उसी में थे। पप्पू यादव जनता दल में लाए गए, बाद में आरजेडी में ही आए 1994, जनता दल में लाए गए, बाद में आरजेडी 91 में, हाँ वो जनता दल में आए, बाद में आरजेडी बना और वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, आपराधिक बैकग्राउंड के थे। उस समय लालू ने बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को टिकट दिया था। पप्पू यादव कभी पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं रहे, उससे पहले किसी राजनीतिक संघर्ष में किसी पार्टी को खड़ा करने का कोई अनुभव उनके पास नहीं था। शिवपाल सिंह यादव पॉलिटिकल कैरेक्टर ही रहे, मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी बाइक पर, स्कूटर पर, साइकिल पर, कार पर, वो वैन हुआ करती थी, मारुति वैन और पुरानी जीप, उस पर दास जी के साथ लंबा सर एक गांव गांव घूमे, गली गली घूमे। पप्पू यादव और शिवपाल सिंह यादव, सर रुकिए ना ब्रजेंद्र सिंह जी, दूसरों को भी बोलने दीजिए ना सर, दूसरों को भी बोलने, जगदेव जी को बोलने दीजिए, उनसे सवाल है, जगदेव जी, तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। पप्पू यादव एक अलग पार्टी बना ले, वो लालू के परिवार के भी नहीं है, लालू प्रसाद के भाई भतीजा भांजा कुछ भी नहीं लगते हैं, वो भी उनके साथ नहीं है, ना ही गांव गली में घूम घूम के कभी कोई राजनीतिक दल खड़ा किया है, एक नया दल अभी खड़ा करता है। बहुत बड़े जननेता है, उनके बारे में लगता है आपको जानते ही नहीं है। किनके बारे में? वो बदमाश नहीं है, वो बड़े जननेता है, 6 बार कोई ऐसे सांसद नहीं जीता बदमाश होने के कारण। क्या करेक्टर बता रहे हैं आप उनका? दोनों पद पत्नी एमपी है, वो बदमाशी से जीते हुए हैं। कितने मुकदमे हैं उन पर आपको मालूम है? कितने मुकदमे हैं उन पर आपको मालूम है? मुकदमा आपकी नहीं है, हम मुकदमा गिनने नहीं बैठे हैं। तो मत नहीं गिन सकते हैं तो बैठ के चुपचाप सुन लीजिए ना, गिनना नहीं आता है तो सुनिए, गिनना नहीं आता है तो सुनिए। कौन करेगा? वो जननेता है, इसको चर्चा करिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप उनकी जयकार कीजिए, हम नहीं करेंगे। अब बताइए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का पॉलिटिशियन है, आप बताइए। अरे तो कहिए भाई, हम रोक रहे हैं, लेकिन वो उनका तो दूसरों को बोलने दीजिए ना, अब दूसरों को बोलने दीजिए। जगदेव जी से ये सवाल है, तो दोनों की तुलना नहीं है। शिवपाल संघर्ष से खड़े हुए हैं, शिवपाल को कार्यकर्ताओं को जोड़ना भी आता है, पार्टी खड़ा करना भी आता है। पप्पू यादव इसमें नौसिखिए हैं, इसलिए कोई तुलना नहीं। शिवपाल मुलायम सिंह यादव के सगे भाई हैं, पप्पू यादव लालू प्रसाद के कुछ भी नहीं लगते। तो साहब ये तुलना कैसी है जगदेव जी? देखिए अश्विनाथ जी, आप बिहार से आते हैं तो आप पप्पू यादव के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं जानता हूं आप उनके बारे में बहुत जानते हैं, क्योंकि आप बिहार से आते हैं। अब जहां तक शिवपाल जी का मामला है, शिवपाल जी अभी भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं जसवंतनगर, अभी विधायक हैं, तो शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी का ही माना जाएगा जब तक उससे अलग नहीं होते। दूसरा, वो ये हमेशा कहते हैं कि नेताजी का इशारा ही मेरे लिए आदेश, तो नेताजी का इशारा नहीं है कि अलग सेकुलर मोर्चा बना ले। अगर इतना वो बड़े भाई का आदर सम्मान करते हैं, उनके आदेशों को मानते हैं, तो मैं समझता हूं वो कभी भी अलग होने की स्थिति नहीं हो सकती। दूसरा ये कह रहा हूं मैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा उनको सम्मान किया है, सार्वजनिक रूप से सम्मान किया है, उनके पैर छुए। आज कुछ गलत भ्रम की वजह से इस तरह की परिस्थितियां हुई हैं, और हमने कहा आप मोर्चे की बात करते हैं, आप लड़ाने की अस्सी की बात करते हैं, कहां से अस्सी लड़ा देंगे? जो दो चार लड़ाने की स्थिति में नहीं, अस्सी कहां से लड़ा देंगे? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बैकग्राउंड है, बीजेपी चाहते लड़े और समाजवादी पार्टी का वोट बने, ये षड्यंत्र बीजेपी का है। और जो षड्यंत्र में सूत्रधार है मुख्य, वो है अमर सिंह जी, और अमर सिंह जी खुद एक मोर्चा बना। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात, आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं जगदेव जी। देखिए मसला वो नहीं ना, मसला ये है कि अगर ये पार्टी टूट जाती है, अभी अगर मान के ही चलिए, तो जो नई तस्वीर होगी यूपी की राजनीति की वो कैसी होगी, या जो तस्वीरें होंगी वो कैसी होंगी? पार्टी टूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, एक भी कार्यकर्ता वहां टूट के नहीं जा रहा, सब सारे के सारे माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। इस पार्टी का अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव है, आप क्यों बोलते हैं? जब नेताजी हैं, अखिलेश जी हैं, तो वहां कोई टूटने सवाल नहीं पैदा होता। ये एक इनका प्रयास है बीजेपी का कि बंटवारा करो, बांटो, राज करो। ये अंग्रेजों के पिट्ठू है, हमेशा वही उन्होंने किया। मैंने कहा नहीं कि माँ बेटी बंटवा दिया, भाई भाई बंटवा दिया, हिंदू मुस्लिम को बंटवा दिया, मुस्लिम मुस्लिम सिया सुन्नी नाम बंटवा दिया, पुतनी और पति को बंटवा दिया, तीन तलाक नाम पर। ये वो पार्टी है, इनका जो खड़ेंत है खेल वाला। आपके पास आएंगे दीपक मिश्रा जी, आपसे दावेदार साहब कि समाजवादी पार्टी विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के रहेंगे, और नेताजी का अगर आदेश मानते हैं, नेताजी का इशारा काफी है, तो नेताजी कभी नहीं चाहेंगे समाजवादी टूटे या उनके परिवार में बिखराव करते। हम सब लोग एक हैं, आज भी नेताजी का बयान है, तो कहां से आप महसूस कर रहे हैं?
देर समय सब ठीक हो जाएंगे, देर आए दुरुस्त आए, आप देखिएगा कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और कोई भी समाजवादी पार्टी टूट जाने वाला नहीं, सारे के सारे नेताजी के समर्थक तो मैं और अखिलेश यादव के नेतृत्व में साथ में और समाजवादी पार्टी के आज भी विधायक हैं वो, ठीक। आप इसको दीपक में हाँ है दीपक मिश्रा, पप्पू यादव भी अभी आरजेडी के ही सांसद हैं। दीपक मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं साहब, हम नई तस्वीर की बात कर रहे थे कि भाई कैसी तस्वीर होगी, सवाल कुछ और है जवाब कुछ और आ रहा है, हैरानी भी हो रही है कि बापू की विरासत पर दावा करने वाले लोगों को पप्पू यादव में महान नेता की छवि नजर आती है। महान नेता के नहीं, मैं राजनीतिक हैसियत क्या बात करते हैं आप? दीपक मिश्रा जी, मैंने पप्पू यादव का महिमा मंडन नहीं किया, मैंने राजनीतिक, अरे आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, रंजीत रंजन जी आपकी पार्टी से सांसद, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। दीपक मिश्रा जी नहीं है, वो नई तस्वीर, यादव जी बड़े नेता है, किसी घासे में आने वाले नहीं है, ठीक है। मैं एक वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है मैंने, ठीक। दीपक विजेंद्र जी ने एक बहुत सार्थक बात कह दी, श्री शिवपाल जी बड़े नेता है, वो किसी झांसे में आने वाले नहीं, ये सही बात है, ये सही बात है। इनके सारे तर्क वितर्क में, संवाद संवाद में, ये एक पहलू पक्ष सार्थक है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे मोर्चा बना, इतने वरिष्ठ नेता आदरणीय जगदेव जी कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पे शिवपाल जी को बर्खास्त किया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि जब तक शिवपाल सिंह यादव अंगद की तरह से पांव दबाए हुए हैं, उसको यहाँ पे कोई नहीं ला सकता। अब आप शांत रहे महोदय, मैंने आप पे नहीं बोला, आपकी वरिष्ठता का सम्मान, आपकी वरिष्ठता का सम्मान करते हैं, मगर ये क्या कि आप पैर छू के पैर खींच ले और मुंह औधे मुंह गिरा दे। और महोदय आप देखिए नेताजी का सम्मान, अद्भुत सम्मान, सम्मान की परिभाषा, नई तस्वीर क्या होगी आपकी, पार्टी अलग बनेगी, समाजवादी पार्टी बिखरेगी। मंच पे कहा, टीवी के सामने कहा कि नेताजी की क्या है, मैं आप सिनेरियो बताइए सर, उपाध्यक्ष जैसे पद पे पदस्थ हैं और नेताजी अपदस्थ हैं, हटाए हुए भी नहीं अपदस्थ हैं। और जहां तक नेताजी के सम्मान की बात है, कब नेताजी ने आदरणीय शिवपाल जी को बुलाया? नेताजी ने खुद मीडिया के सामने आके कह दिया कि अब मेरा कोई सम्मान नहीं करता, खुद मीडिया के सामने नेताजी ये बात कह चुके हैं। छोड़िए, सम्मान की परिभाषा ही बदल गई, नई तस्वीर क्या होगी अगर ये पार्टी बढ़ती है, क्षेत्रीय दल जिसके आदरणीय जगदेव जी प्रवक्ता है, उसने तो समाज सम्मान का और समाजवाद का अर्थ ही बदल दिया, ठीक है। दीपक, मानवीय अर्थ का नसीकरण हो रहा है। दीपक जी, सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जी लड़ रहे हैं, आप लोग बस महिमा मंडन करने में लगे हैं, ये महान वो महान वो महान वो अनुभवी नेताजी नहीं, नहीं ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रहा है, लग रहा है हम लोग बस आरती का आरती की थाल लेके खड़े हैं अपने अपने नेता की महानता बताने में, दूसरे को कोसने में। नहीं सर, ये सवाल ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करने का काम शिवपाल जी ही करेंगे और पहले भी किया है, और कोई नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करने का काम। तो 2,20,000 2,20,00,000 वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी 2,00,000 तक नहीं पहुंची, 47 सीटें 1952 से लेके अब तक, कभी समाजवादी तीसरे स्थान पर नहीं होगा। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय जगदेव जी और कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, वह एक बात बता दें, बर्खास्त होने के बाद कौन नेता 2 सालों तक का इंतजार करता है, कौन करता है? किया है किसी ने इंतजार? इतना ये इंतजार इसलिए था कि अब तो सुधर जाओ, और उसका परिणाम क्या है देखिए, विनम्र होने का मतलब कमजोर नहीं होना होता है। और कांग्रेस से महोदय कह रहे हैं मैं आक्रामक क्यों हूं, महोदय शबनमी अंदाज में सोच की बात नहीं होती, हमें लड़ना है सांप्रदायिक ताकतों से, हम लड़े हैं, हम उत्तर प्रदेश को उनके हवाले जाते नहीं दे सकते। आज राहुल जी की और अखिलेश जी की जो दोस्ती थी, उसी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार में आ गई, वरना कदापि नहीं आती। सोच की बात सोच के अंदाज में होगी, शबनमी अंदाज में जीत चाट कर बात सियासी लोग कभी न किए हैं न करेंगे, और जो सोशलिस्ट है वो तो कदापि नहीं कर सकते। अगर सम्मान है तो है नेताजी के लिए। आप बताइए, नरेश अग्रवाल जी ने जो बयान दिया था क्यों नहीं उनके खिलाफ हुआ, और नरेश अग्रवाल जी को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित नहीं किया, वो स्वयं परित्याग करके चले गए, बाय बाय करके चले गए। अरे राम और राम की बात करने वाले भाई, मेरे आपने क्यों नहीं निकाला था? आप निकालते किसको है? आप निकालते किसको है? दीपक मिश्रा जैसे समाजवादी को आप उपेक्षित किसको करते हैं? भगवती सिंह जैसे समाजवादी को, नेताजी के साथ के जितने लोग थे सबको अपमानित होनीत कर दिया आपने, और कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, रोजगारी देते हैं। आपकी कथनी और करनी में मान्यवर इतना अंतर आ गया है कि लोहिया जी ऊपर से देख के शर्मसार होंगे। आप लोहिया की बजाय अब संजीव मिश्रा जी के पास आए, भूल गए आचार्य नरेंद्र देव को, भूल गए विरासत को, भूल गए, खाली एक वाक्य रट लिया गोयबल की तरह से, हम नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाला आपके यहाँ उच्च पद पर क्यों है?
अगर आप सम्मान करते हैं तो नेताजी जब भी सार्वजनिक रूप से बुलाए हैं आपकी तरफ से कोई मिलने तक नहीं जाता। नेताजी ने खुद आकर हम लोगों के सामने कह दिए बात की अब हमारी कोई सुनता नहीं है, अब तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। कौन सा वक्त सब अपमानित करते हैं। संजीव मिश्रा जी ठीक है, संजीव जी के पास आ रहे हैं। आप तो चुप रहे, खामोश रहे, आप तो खामोशी के गुनहगार हैं। अगर आप बेजमीर नहीं तो बेजुबान निकल गए। मान्यवर टकराना पड़ता है, वो कहते हैं ना कि वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। आज नेताजी के वसूल पर संकट है और उसी वसूल को बचाने के लिए, उसी दर्शन को बचाने के लिए सेक्युलर मोर्चे का गठन हुआ है। ये हमारा दर्शन है, ये हमारा व्यवहार है। कब हम भाजपा के साथ खड़े हुए आप बता दीजिए। दीपक मिश्रा जी हम कहां खड़े हैं भाजपा के साथ खड़े हैं? संजीव जी के पास जाने दीजिए। कौन दीपक मिश्रा जी? रुक जाइए हुए ताज होटल में। दीपक मिश्रा जी रुक जाइए ना, रुक जाइए। है उनका नाम दीपक मिश्रा जी, रुक जाइए। बड़े महासचिव और प्रवक्ता हैं दीपक मिश्रा जी, रुक जाइए। संजीव मिश्रा जी, मैंने नए सिनारियो की बात की। कोई आप दीपक लगता सुन नहीं पा रहे हैं क्या? दीपक जी आए हैं, दीपक जी सुन नहीं पा रहे हैं क्या? दीपक जी थोड़ी देर के लिए रुकिए। संजीव मिश्रा जी, मैंने कहा भाई जब एक पार्टी बटेगी और ये पार्टी ऐसी है जिसकी यूपी में जड़े हैं, गहरी जड़े हैं, जब ये बटेगी तो नया पॉलिटिकल सिनारियो किस तरह का हो सकता है, किस किस्म का हो सकता है? देखिए असित जी, ये बात तो आपने अभी जो कांग्रेस के नेता यहां कहानी सुना रहे थे उनसे, उनको भविष्यवक्ता भी हैं, वही बता रहे थे कि कौन क्या होगा और कौन क्या नहीं होगा। इनको तो कम से कम कांग्रेस को तो चाहिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में इनका जो नारा था वो 27 साल यूपी बेहाल था और अब तो मैं समझता हूं कि 28 साढ़े 28 साल हो गए। कांग्रेस ने आत्मचिंतन नहीं किया, कांग्रेस दूसरी पार्टियों के मैं समझता हूं कि जगहों पे झांक करके देख रही है कि कौन अब वो हो जाएगा तो कौन हमारे साथ आ जाएगा तो कौन क्या होगा। और मुझे तो लगता है कि जो समाजवादी पार्टी का हश्र हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर इन्होंने गठबंधन किया तो उस समय भी नेताजी ने भी विरोध किया था और नेताजी की नहीं मानी गई। हाँ, नेताजी का सम्मान है पर उनकी बात नहीं मानी गई। शिवपाल जी की भी बात नहीं मानी गई, शिवपाल उनका भी सम्मान है उनको। देखिए मैं नए सिनारियों की बात कर रहा हूँ कि पार्टी बिखरेगी अगर तो सिनारियों क्या होगा, पॉलिटिकल सिनारियों क्या होगा, ये आप लोग आकलन है कुछ बताइए। पार्टी अगर बिखरेगी या पार्टी नहीं बिखरेगी, जैसा कि तमाम हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों का यही कहना, क्योंकि उनको गठबंधन से भयभीत हो रहे हैं वो। हाँ, अगर पार्टी बिखरती है तो चूंकि शिवपाल जी ने वर्चस्व की लड़ाई हारी है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई थी और जिस तरीके से शिवपाल जी ने कहा था कि 11 मार्च को जिस दिन रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, हम उस दिन नई पार्टी की घोषणा कर देंगे। 11 मार्च 2017 से आज की तारीख में जितनी उन्होंने घुटन महसूस की, जितना अपमानित वो हुए, मुझे लगता है कि वो खुद स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर 11 मार्च को ही उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया होता तो आज मैं समझता हूं कि स्थितियां बहुत अलग होती। लेकिन खैर, ये फिलहाल अब चूंकि मोर्चा बन चुका है, अब ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं रह गया। अब जब मोर्चा कह रहा है कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन को तो ये सोचना ही होगा कि गठबंधन में अगर 40 और 45 सीटें भी इधर उधर होती हैं तो 40 अगर बसपा की रहेंगी तो वो जो बसपा की जगह पे समाजवादी लोग होंगे वो कहां से लड़ेंगे जाके चुनाव? और जो समाजवादी पार्टी को मिलेगी सीटें वहां पर बसपा के जो प्रत्याशी जो अपना लड़ना चाहते होंगे वो कहां से लड़ेंगे चुनाव? तो मुझे लगता है कि मोर्चे को भी 80 सीटें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 80 तो हमारे अपने व्यक्ति कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ रही है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, अब तय इन लोगों को करना है कि इनके कुनबे की लड़ाई कहां तक जाती है और ये वर्चस्व की लड़ाई आगे और क्या गुल खिलाती है, ये इनको तय करना है। लेकिन ये जो इस तरीके से छटपटाहट और ये जो भटकने वाली स्थितियां हैं कि भाजपा करा रही है, अरे मैंने तो पहले ही कहा आप क्या खिलौना है जो भाजपा चाबी भर देती हो, आप डमरू की तरह नाचने लग जाते, तो ये बंद करिए। दूसरे पे आरोप लगाना संजीव मिश्रा जी, चैनल पे लाखों लोग आपके दर्शक हैं, उनके सामने अगर ये स्वीकारोगे कि भैया वो लड़ा देते हैं हम लड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहे हो और जनता अगर ये सुन रही होगी तो जनता इन दलों को माफ नहीं करेगी। ब्रजेंद्र सिंह जी, आपने देवेंद्र नाथ दुबे का नाम सुना है? जी। कौन थे जी? देवेंद्र नाथ दुबे का नाम सुना है आपने? नहीं।
भुटकुन शुक्ला, छोटन शुक्ला? हाँ जानते हैं। कौन थे दोनों? दो मुचकुंद जी तो विदेश सचिव थे। नहीं नहीं, मुचकुंद जी नहीं, भुटकुन शुक्ला, छोटन शुक्ला, गामा सिंह, रामा सिंह, हाँ वो सब बिहार के बदमाश है, बिहार विधायक सर। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पप्पू यादव के बारे में नहीं जानता हूँ? नंगी आंखों से गैंगवार देखा है, सड़कों पर लाशें पटती देखी है मैंने। मैं उनका समझे सर्टिफिकेट नहीं बना रहा हूँ। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, ले जा रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुरंत किसी को कह देना कि आप जानते नहीं हैं। जानता तो इतनी गहराई तक हूँ साहब कि कई कांग्रेसियों के अभी शर्ट उतार दूं। खैर छोड़िए, वहां तक जाने की जरूरत नहीं, हम जिस डिबेट में बैठे हैं उसी डिबेट की बात कर लेते हैं। ये गैंगवार अपनी आंखों से देखा है जिसने, उसे आप कह रहे हैं कि जानते कितना है आप? एक लाइन मेरा देखिए, सुनिए ब्रजेंद्र जी, एक आपको बढ़िया राजनीतिक किस्सा सुनाता हूँ, इसलिए एक लाइन हमारी सुन लीजिए, फिर इसके बाद सुनाइए किस्सा। बोलिए। आदरणीय शिवपाल यादव जी यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण उनके आराध्य हैं। एक लाइन है कि मुरली वाले पे पूरा भरोसा रखो, मन कहीं भी रहेगा डिगेगा नहीं, बस यही एक सूत्र। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कृष्ण और कंस की लड़ाई है, शिवपाल जी ही कह रहे हैं कृष्ण और कंस की लड़ाई है। अब आप लोग तय कर लीजिए उसमें कृष्ण कौन कंस कौन। सुनाइए सिद्धनाथ जी, कभी व्यक्तिगत बात करिएगा, मैं 88 से राजनीति में हूँ। ब्रजेंद्र जी, बिहार का कोई ऐसा चुनाव नहीं बाकी है, कोई ऐसा गांव नहीं जहां ब्रजेंद्र सिंह ना गए हूँ। सुनिए ब्रजेंद्र जी, और वही शिवपाल कह रहे हैं कि कृष्ण और कंस की लड़ाई है। तो 86 से अब सुनिए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा राजनीतिक किस्सा सुनाऊं तो इस पूरे बहस को ठीक से समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि आरोप है कि बीजेपी करवा रही है। सुनिए ना जी, हम लोगों के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। दीपक मिश्रा जी ने कहा है कि भारतीय जनता बहुत बढ़िया, ठीक है आपकी बात आ गई। अब वो किसके साथ रहेंगे वो तय कर लेंगे। आप लोगों को याद होगा आनंद मोहन सांसद सर, आप लोगों को याद होगा आनंद मोहन सांसद जो अभी मर्डर के केस में कन्विक्टेड है। आनंद मोहन ने एक पार्टी बनाई, बिहार पीपुल्स पार्टी, चुनाव चिन्ह मिला हैंडपंप, हेलीकॉप्टर से घूमे और जहां गए मंचों पर कहा कि क्षत्रिय का बेटा हूं, एक बार मौका दो लालू की छाती की बाती तोड़ दूंगा। जी जी, हालांकि कहीं से जीते नहीं, सुनिए कहीं से जीते नहीं, सुनिए कहीं से जीते नहीं, लेकिन जो बाद में खुलासा हुआ बिहार के राजनीतिक पत्रकारों ने और जो लालू प्रसाद यादव के करीबी लोग थे, सुनिए सर, उन्होंने खुलासा किया कि सारा काम लालू प्रसाद के इशारे पर हुआ। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें फंडिंग की थी, लालू प्रसाद चाहते थे कि सवर्ण वोटों का बिखराव हो, क्षत्रिय वोट बिखर जाए और बैकवर्ड अदर वोट वो इकट्ठा करके अपनी सीट निकाल लें। साहब तो हो सकता है ना, शिवपाल सिंह यादव भी इसी तरह से ट्रैप हो रहे हो कि यादव वोट और मुस्लिम वोट बंटे। शिवपाल जी के मोर्चा के गठन के पीछे समाजवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की लड़ाई है, बाकी न किसी का हाथ है और न किसी का हाथ हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, संजीव मिश्रा जी, जगदेव यादव जी, दीपक मिश्रा जी और ब्रजेंद्र सिंह जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सच यही है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या हो रहा है देखिएगा, गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा, वरना हमारी आपकी हैसियत अब बची ही कितनी है। पहले वो हाथ जोड़ा करते थे और अब वो गाड़ियों में से हाथ हिलाते हैं, हम हाथ जोड़े खड़े पीछे मिलते हैं। ये हमारी आपकी गलतियों की वजह से हुआ, क्योंकि हमने देखना छोड़ दिया कि वो कर क्या रहा है। नमस्कार।